सो पिछले वीडियो में हमने देखा हमारे बंटी के अंदर आ गई कमला चुड़ैल की आत्मा, जिस वजह से उसने कर दिया एक लड़की की खून और पुलिस पड़ गई उसके पीछे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टकले रुक जाओ। अरे पुलिसो, आखिर क्या हुआ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि तूने कल रात को एक लड़की को ठोका। क्या मैं? अरे नहीं तो, मैं तो जुरासिक पार्क में सो रहा था। अरे मालिक, ये पुलिस सच बोल रहे हैं। क्या, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर कमला चुड़ैल की आत्मा थी। है? क्या बात कर रहा है? अरे भोलू, वो क्या है? अरे वो तो डायनासोर है। अरे वो रहा बंडी, पकड़ो इसे। अरे भोलू घूम जा। ओबे, इधर तो पुलिस कार खड़ी है, ऊपर से हाथी भी घूम रहे हैं। अरे मालिक, आप इनको तोप से क्यों नहीं उड़ा रहे हो? अरे मेरा तोप तो घर में रह गया। क्या, तो अब हमारा क्या होगा? अरे एक काम करो, सामने हमारा पुराना घर है जो मैंने बेच दिया था, वहाँ चल। ठीक है भैया। हाँ रुक जा रुक जा। टकले कहाँ छुपाए, बाहर निकल। अरे बाप रे, ये लोग तो अभी भी है। हाँ यार, पीछे हो जा पीछे हो जा। अरे कमला चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। ओबे, ये कौन बात कर रहा है? अरे ये तो छोटे डायनासोर से। अबे तू कौन है बे, जो बिना पूछे हमारे घर घुस गया? अरे डायनासोरो, मैं बंटी हूँ, पहले ये घर मेरा ही होता था। हाँ तो क्या हुआ, अब ये घर हमने खरीद लिया, चल जाए यहाँ से। अरे चला जाऊंगा। नहीं नहीं, अभी निकलो, हमें पता है तुम एक खूनी हो, हम किसी खूनी को अपने घर में नहीं रख सकते। अरे लेकिन। अबे बोला ना जा, नहीं तो डायनासोर और पुलिस सबको बुला देंगे। अरे नहीं नहीं भोलू, भाग जा जल्दी यहाँ से। टकले, अरे मालिक, डायनासोर तो अभी भी बाहर है, बाहर कैसे निकले घर से? अरे यहाँ से एक जाने का रास्ता है। अरे हाँ मालिक, चलिए भागते। अरे मालिक, मैं तो थक गया, मुझसे और दौड़ा नहीं जा रहा है। एक काम कर, तू यहाँ पर आराम कर, मैं तब तक कोई कार या बस का इंतजाम करता हूँ। हेलो कार वाले भैया, रुको रुको। अबे बंडर, तू एक मासूम लड़की को ठोक के अभी तक खुले में घूम रहा है, पुलिस को कॉल लगाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सॉरी भाई साहब, आप जाओ। यार इस कमला चुड़ैल की वजह से मेरा जिंदगी झंड हो गया, ना कोई मुझे रहने दे रहा है, ना कोई लिफ्ट दे रहा है। आओ, आओ, मालिक, कुछ जुगाड़ हुआ? अरे नहीं यार, लगता है मुझे पुलिस के हवाले हो जाना चाहिए। नहीं मालिक, बचने का और एक रास्ता है। क्या? ट्रेन से कहीं भाग जाओ। अरे हाँ, सही आइडिया है, ट्रेन के बारे में सोचा ही नहीं था। आओ, मालिक, यहाँ तो बहुत सारे पुलिस कार खड़े हैं। अरे हाँ, भले सो, वो टकले को जो भी पकड़ेगा उसको 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। अरे बाप रे, ये लोग तो मेरे पे इनाम रख दिया, वांटेड बना दिया मुझे। अरे मालिक, आप छुप छुप के जाओ और ट्रेन में चढ़ जाओ। हाँ कोशिश करता हूँ। आटा माजी सड़क ले। ओबे, इतने सारे पुलिस। पुलिसो, बंटी मिल गया, अटैक। अरे नहीं भाग बंटी। टकले रुक जाओ, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं भोलू, अबे कहाँ गया? अरे नहीं मालिक बचाओ, ये लोग मुझे पकड़ लिया। अरे भोलू। टकले, आज तो तेरा टकला फोड़ के ही छोड़ेंगे। अबे नहीं, भाग जाता हूँ बाबा। यार बहुत मुश्किल से बचा, लेकिन यार मेरा भोलू का क्या होगा, मुझे लगता है मुझे पुलिस के हवाले हो जाना चाहिए। बंटी! ओबे, कौन बुलाई? अरे चिंकी। अरे बाबू, मेरी बात सुनो, जल्दी से इस बस में चढ़ जाओ और भाग जाओ यहाँ से। अरे ये बस किसकी है? मेरे पापा का। अरे चिंकी थैंक यू, तूने तो बचा लिया आज। ठीक है चिंकी, मैं चलता हूँ, वापिस आने के बाद तुझे मोमोज खिलाऊंगा। ओके बाय बेबी। बंटी तो गयो, मैंने उस बस में बम फिट कर दिया, 1 घंटा बाद उस बस के साथ बंटी भी उड़ जाएगा और मुझे 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। 59 मिनट बाद। अरे बहुत बस चला लिया, अभी थोड़ा रुक के आराम करता हूँ, आज चिंकी की वजह से मैं बच गया, कितना प्यार करती है मुझसे। ये क्या, ये बस फूट कैसे गई? लगता है कोई बम फिट कर दिया था। बाल बाल बचा, नहीं तो मैं भी बस के साथ उड़ जाता। इसका मतलब चिंकी ने ऐसा किया है, वो मुझे मारना क्यों चाहती है? इसका बदला तो मैं लेके ही रहूंगा। नहीं यार बहुत हो गया, अब पुलिस के हवाले होना ही पड़ेगा। बचाओ! अरे ये जुरासिक पार्क के अंदर से लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही है, लगता है मुसीबत में। चलो जाली कूद के तो आ गया, लेकिन लड़की है किधर? अरे बुरी। अरे लड़की, तुम्हारा ये हाल किसने किया? हमने किया। शेर। अरे नहीं, कहाँ फंस गया, फिर से भागना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब नहीं भागूंगा। ठीक है लाइनो, मुझे खा लो, मुझसे और भागा नहीं जा रहा है। अरे ये तो बंटी है, इसे छोड़ दो, मत खाओ इसे। है? अरे मैं इंसान हूँ। नहीं बाबा। अरे मेरे पास तोप नहीं है, किसी को नहीं मारूंगा, खा लो। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मालकिन ने हमें मना किया था। मालकिन? अब ये कौन है? जिसका आत्मा तेरे अंदर है। हैं? मतलब चुड़ैल? अबे पागल लाइनो, लगता है तुम्हारा दिमागी हालत खराब हो गया है। चलो जब खाना ही नहीं है तो मैं चलता हूँ, लेकिन उस लड़की को भी छोड़ दो। अरे उसको तो हमने खा लिया है। अबे तोप होता तो तुम लोगों को दिखा देता। सॉरी मालकिन, हमारा मतलब बंटी। अरे ये लायनों को लगता है मैं चुड़ैल हूँ, अगर होता तो मेरा पैर उल्टा नहीं होता,
मेरे नाखून उंगली लंबी नहीं होती, पागल कहीं का। होड़ होड़ दबंग दबंग टकले, यू आर अंडर अरेस्ट। ओह नो। अरे पुलिसो, मैं तो सरेंडर होने ही जा रहा था, खामा का ठोक दिया। ठीक है, बैठ जा गाड़ी में। हाँ हाँ। वाह बहुत अच्छे बंटी, चलो चलो इसे जेल के अंदर डाल दो। अरे रुको, पहले मेरे भोलू को छोड़ो। अच्छा ठीक है पंडो, कुत्ते को निकाल दे। ओके बॉस। मालिक अपना ध्यान रखना। हाँ भोलू, तू भी अपना ख्याल रखना। हाँ मालिक। और लाली और छोटू से झगड़ा मत करना, ठीक है मालिक। अरे देखो देखो कौन आया है जेल में, मुजरिम को सबक सिखाने वाला आज खुद ही मुजरिम बन गया। ओ हेलो मिस्टर, जो भी है तू अपना मुंह बंद कर, पहले ही सुबह से दिमाग खराब है मेरा। रात 12 बजे। रात 12 बज गया, अब मेरा जगने का टाइम आ गया। अबे चिल्लाना बंद कर, सोने दे, पहले तो तुझे ही ठोकूंगा। अरे नहीं। अरे कौन चिल्ला रहा है बे, चैन से सोने भी नहीं देता। मुझे जेल से निकालो, निकालो जेल से। हम आ गए कमला मालकिन। बहुत अच्छे, चलो सभी लाने को बुलाओ और इस जेल को तोड़ दो। ओके मालकिन। आज तो मैं बहुत भूखा हूँ, जो भी मिलेगा उसका ही खून पीऊंगी।